सामान्य विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए पक्के फर्श का होना जरूरी है। ढेर बनाने से दो दिन यानी 48 घंटे पहले भूसे को अच्छी तरह से गीला कर देते हैं। गीला करते समय भूसे को पैर तले दबाया और मसला जाता है, जिससे भूसा पानी को अच्छी तरह सोख ले। ढेर बनाने से 12 से 16 घंटा पहले जिप्सम और जीवनाशक दवाइयों को छोड़कर अन्य सामग्री जैसे चोकर की आधी मात्रा, कैन तथा यूरिया की दो तिहाई मात्रा, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा लेकर भिगो दें और बोरी से ढक दें। ढेर बनाने का पहला दिन लकड़ी के तीन तख्ते की मदद से भीगे भूसे में खाद के मिश्रण को मिलाकर 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी ढेर बना दें। छठे दिन यानी पहली पलटाई भिगोया हुआ मिश्रण ढेर को तोड़कर मिला दें और कंपोस्ट को इस तरह से पलटाई करें। अगर ढेर को तीन हिस्से में बांटें तो ऊपर का हिस्सा बीच में, मध्य भाग नीचे में और भीतरी भाग ऊपर हो जाए। दसवां दिन ढेर को तोड़कर गुड़ एवं फिरोडॉन मिलाएं और पहले बताए गए तरीके से दूसरी पलटाई करें। 13वें दिन तीसरी पलटाई करें और जिप्सम मिलाएं। पानी की मात्रा कम होने पर थोड़ा पानी मिलाएं। 16वां दिन चौथी पलटाई देकर ढेर बनाएं। 19वां दिन पांचवी पलटाई देकर फिर से ढेर बना दें। 22वां दिन छठी पलटाई देकर ढेर बना दें। 25वां दिन सातवीं पलटाई दें और मालाथियन का 0.1% छिड़काव करें। 28वां दिन कंपोस्ट का परीक्षण अमोनिया और पानी के लिए किया जाता है। खाद में पानी की उत्तम मात्रा तब मानी जाती है जब खाद को निचोड़ने पर हथेली और उंगलियां गीली हो जाएं, लेकिन उंगलियों के बीच से पानी न निकले। इस समय पानी की मात्रा 22 से 64% तक होती है। अगर खाद में अमोनिया की गंध आए तो 3 दिन तक 1-2 पलटाई और करें। उत्तम खाद का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होने चाहिए। जब खाद तैयार हो जाए तो उसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढक कर रखें। यह खाद अब बिजाई के लिए तैयार है।